पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में शुक्रवार को अणजाण हमलावरों ने एक भीड़ भरे बाजार के हैंड ग्रनेड सुटिया, जिस नाल होए धमाके की लपेट के आने नाल दो बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग जख्मी हो गए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह जानकारी दी गई है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सिब्बी शहर के लूनी चौंक से यह धमाका होया। सिब्बी थाना अधिकारी वजीर खान मर्री ने कहा कि बाइक सवार अणजाण हमलावरों ने चौंक से हैंड ग्रनेड सुटिया। इस हमले में 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्होंने दो नाबालिग ने। उन्होंने कहा कि सारे जख्मियों को हस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जिन्होंने चार की हालत नाजुक दसी गई है। अधिकारी ने कहा कि किसी समूह ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में शुक्रवार को अणजाण हमलावरों ने एक भीड़ भरे बाजार के हैंड ग्रनेड सुटिया, जिस नाल होए धमाके की लपेट के आने नाल दो बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग जख्मी हो गए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह जानकारी दी गई है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सिब्बी शहर के लूनी चौंक से यह धमाका होया। सिब्बी थाना अधिकारी वजीर खान मर्री ने कहा कि बाइक सवार अणजाण हमलावरों ने चौंक से हैंड ग्रनेड सुटिया। इस हमले में 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्होंने दो नाबालिग ने। उन्होंने कहा कि सारे जख्मियों को हस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जिन्होंने चार की हालत नाजुक दसी गई है। अधिकारी ने कहा कि किसी समूह ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी। पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे में शुक्रवार को अणजाण हमलावरों ने एक भीड़ भरे बाजार के हैंड ग्रनेड सुटिया, जिस नाल होए धमाके की लपेट के आने नाल दो बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग जख्मी हो गए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह जानकारी दी गई है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सिब्बी शहर के लूनी चौंक से यह धमाका होया। सिब्बी थाना अधिकारी वजीर खान मर्री ने कहा कि बाइक सवार अणजाण हमलावरों ने चौंक से हैंड ग्रनेड सुटिया। इस हमले में 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्होंने दो नाबालिग ने। उन्होंने कहा कि सारे जख्मियों को हस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जिन्होंने चार की हालत नाजुक दसी गई है। अधिकारी ने कहा कि किसी समूह ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।